ले लगाएगी आम पीछे का ही घुस जाते क्या चाहिए तुम्हें कौन पेड़ लगाओगे अरे कोई जगह है घर में लगाने की अरे स्कूल में लगाएगी घर में नहीं लगाना है कोई जगह नहीं है घर के आंगन में अगल बगल कोई नहीं कोने रुद्राक्ष लेते आओ कोने से चल चल लगाओगे ना तुम्हें लगाओगे कौन कहां से पढ़ते हो ये आंवला है लगा लोगे ना हंसो आइए ये कौन है ये लोग यहाँ पे पढ़ती हैं संस्कृत वाले वैदिक कन्या स्कूल है सभी बच्चे हैं कौन चलाता है विद्यालय कौन चलाता है कितने पचास है कौन क्या पढ़ती है ये सब दो विद्यालय वहीं पे चल रहा है ये दुर्कुटी के पास नहीं नहीं सर चल रहा है बैराज पे ये हम लोगों ने यहाँ संस्कृत विद्यालय जो शुरू किया इन लोगों को इसके साथ यार तुम पूरा बर्बाद किए दे अनु थोड़ा पीछे से हटवा दो पीछे से हटा दो मनु अरविंद थोड़ा पीछे से हटाओ पीछे लेकिन इस पे गड्ढे बनाने पड़ेंगे नहीं सर ये तो आप किसी कोटि के लिए यहाँ नहीं किया
लेकर आप लोग साइड हो जाइए आप पीछे मैम इधर आ जाओ Thank you.
कल्पना नहीं होगा। क्रेडिट लीकेज सीसीएल 12,96,00,000 का ये चेक बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम सबका आभार अभिनंदन। और इनके बाद श्रीमती ललिता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश हेतु भी मकान तो किसी का भी सपना होता है। इनके बाद श्रीमती सुमन इन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश हेतु चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण, इसके लिए श्री काविंद्र कुमार इनको ये आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद बहुत जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, श्री विजेंद्र कुमार इन्हें भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड का वितरण। श्री वशिष्ठ चौधरी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत इन्हें पूरी पढ़ाई के साथ साथ 9th क्लास पहुंचने पे ये लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके दूसरे साथी श्री पुलकित चौहान महिला कल्याण विभाग की तरफ से इन्हें भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तरफ से लैपटॉप प्रदान किया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं वृक्षरोपण जन अभियान जो आज 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक बृहद अभियान चलेगा, 33 करोड़ पेड़ों को लगाने का लक्ष्य। और ये सामने विभाग प्रवर्तन विभाग द्वारा यह बुकलेट निकाली गई है, पुस्तिका, इसका विमोचन करने की कृपा करें। इस पुस्तिका में वन में जो चीजें मिलती है, जलवायु से जो हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है, उस पर आधारित ये व्यंजन पुस्तिका है। बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि 440 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस रिमोट के बटन को दबाकर करें। और ये सौगात हम बिजनौर वासियों को अपने कर कमलों से मौसम बदल जाते हैं और कभी परिस्थितियां भी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण कार्यशैली और हम सबके प्रति उनका स्नेह। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि बिजनौर की धरती पर आज हम सबको अपने आशीर्वचन से आशीर्वाद दे, स्नेह प्रदान करें। बोलिए जोर से, भारत माता की वंदे। महात्मा विदुर के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बिजनौर वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बिजनौर की धरती से
वृक्षारोपण 2023 की हृदय से बधाई देता हूं। और आज उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप सिंह जी, मान्य विधायक श्री सुशांत सिंह जी, श्रीमती सुजी चौधरी जी, श्री अशोक राणा जी, श्री ओम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि जी, जिला प्रभारी श्री हरिओम शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री भारतेंदु सिंह जी, यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सभी उपस्थित पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा एक देव नदी है। हम भारत के इतिहास की धरती पर हैं। गंगा पुत्र भीष्म अपना बचपन इसी धरती पर बिताए थे और भारत के इतिहास में महात्मा विदुर की विद्वता, उनकी उदारता को कौन नहीं जानता है। जहां पर साक्षात परमपिता परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मार हुआ नहीं, बल्कि इन्होंने कहा था मुझे तो महात्मा विदुर का साग भाजी ही पसंद है, क्योंकि वह सात्विकता है और वह लोक कल्याण के प्रतीक है। ये वही धरती है जिसने महात्मा विदुर दिया, और आज हमारा सौभाग्य है कि महात्मा विदुर की इस पावन साधना स्थली पर 2023 के वृक्षारोपण महाअभियान को मां गंगा के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं वन मंत्री जी को, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को और वन विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूरे प्रदेश भर में कर रखी।
45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का ही मुझे आपके बीच में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमने मां गंगा को देव नदी कहा और हमारे यहां वृक्षों को भी तो एक बार जोरदार तालियां। परमादनीय देश श्री माननीय मुख्यमंत्री जी।